आइए वेलकम, स्वागत है। इधर आना। ड्रैग रेस में मोहतरमा काफी खूबसूरत लग रही हैं। यस यस हेलो। अच्छा इनकी तारीफ कर रही हूं, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। आइए बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस से आगे मिलते रहेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। बहुत ही खूबसूरत माहौल है और सबके सामने बहुत प्राउड की बात है पूरी टीम के लिए। सो आज शुरुआत हो गई है आवारा म्यूजिक की। अच्छा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें। सबने कर लिया है ना, क्योंकि क्या है वो चेक करने वाली है वन बाय वन। वाह वाह वाह, क्या बात है। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम बनाओ गाने ऐसे और हम नाचते रहे। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन कांग्रेचुलेशन। मामा तेरे मामा शायद अपनी जवानी रहा।
ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट जब मैंने गाना देखा तो ऑब्वियसली आप सब लोगों ने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी एंड आई वॉज फीलिंग सो नर्वस. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक्स टू एवरी वन अगेन. और सीरियसली मैं मुझे कुछ नहीं कहना सिवाय एक चीज़ के कि ये मेरी कोशिश थी, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आगे और अच्छा काम करूं. एंड बहुत बड़ा थैंक्स टू माय टीम आल्सो बिकॉज उन लोगों के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. विशाल ही इज़ माय को एक्टर एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ही इज़ नॉन डांसर. उन्होंने कभी डांस नहीं किया, ये पहली बार उन्होंने डांस किया है एंड बहुत मेहनत की थी. हमने 8 to 10 दिन रिहर्सल भी की, सो इट वॉज रियली गुड वर्किंग विद हिम. और अभिषेक जी ही इज़ ऑल्सो अमेजिंग. ये सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया है हमारे लिए और बहुत सपोर्ट किया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और जीत जी हमारे पार्टनर हैं, सो इनके बिना तो ये इम्पॉसिबल है. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. इस इवेंट को और भी बड़ा बनाया के आर के सर ने यहाँ पे आके. मैं चाहता हूँ के आर के सर सावी जी और चैनल के लिए कुछ कहें. सर वैसे रिव्यू तो आपने बहुत किए फिल्मों के वगैरह, आज इस गाने के लिए यस यस सर. ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा. ये जानकर कि भाई सैवी ने ये खुद डायरेक्ट किया है, ये बहुत अच्छी डांसर भी है और कहानियाँ बनाना मतलब इसके बाएं हाथ का काम है. तो बहुत इजीली कोई भी गाना आप इसको दिखाएंगे फौरन उसकी एक स्टोरी बना के आपको बता देगी कि ये गाना ऐसे ऐसे होगा. तो आपने गाना देखा ही है कि बहुत अच्छे से इसने डायरेक्ट किया है. ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब कहना बहुत आसान है लेकिन करना किसी काम को बड़ा मुश्किल है. तो और ये एज एक्ट्रेस बहुत अच्छी लग रही हैं और भाई साहब भी इनके साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो मेरे ख्याल में इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, गाना भी बहुत अच्छा है और जो सिंगर की आवाज़ है वो बहुत अच्छी है. तो मेरे हिसाब से तो भाई ये गाना बहुत अच्छा है. बाकी अब पब्लिक डिसाइड करेगी. देखिए कहावत है कि भाई जनता की आवाज़ नकारे खुदा. तो ये जनता डिसाइड करेगी कि क्या हिट है क्या फ्लॉप है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है. बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सॉन्ग सुना था तो ये स्टार्ट ही होता है लाल रंग से. सो द मोमेंट आई हर्ड द वर्ड सो आई थॉट कि मैं इसका नाम यही रखूंगी. दैट इज द ओनली रीजन, दैट्स इट. दैट्स अ वेरी सिंपल रीजन. बहुत प्राउड मोमेंट है ऑब्वियसली. मैं इसलिए इतना इमोशनल हो गई थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि दैट आई हैव डन समथिंग रियली गुड. और बाकी देखते हैं क्या होता है. ये मेरी बहुत पहले की फ्रेंड है और जब भी कोई बहुत स्पेशल काम करता है और ये अकेले वन वुमेन आर्मी है ना. जीत भाई जुड़े, जीत भाई और उसने मिलके एक सपना बनाया आवारा म्यूज़िक का, उसको ये साकार करा. इसमें कितनी सारी मुसीबतें आई इसे, कैसे अकेले इसने मैनेज करा, ये बहुत बड़ी बात होती है. अकेले डायरेक्ट करना, पूरी टीम खड़ी करना, हम सब लोग मीडिया से तो जानते हैं, मुझे कन्वेंस करना नॉन डांसर होके कि डांस करना है और फिर रगड़ के मेहनत कराना. रात को मसाज करता था पैर की तो मुझे याद है आज भी. तो बहुत कम समय में बहुत बड़ी चीज़ मैनेज करना अच्छा लगता है ये. और जब देखा ना तो एहसास हुआ कि चलो ठीक है, मैं कर सकता हूँ डांस आगे भी. काफ़ी रिहर्सल बहुत हमने कंटिन्यू 10 दिन तक रिहर्सल करी, मेरी वजह से इसने भी करी. बहुत अच्छी डांसर है, कोरियोग्राफर हमारे राहिल भाई है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी मेरे साथ. तो एक रहता ना कि आर्टिस्ट को हमेशा चैलेंजेस मिलते, उस चैलेंज से वो निखरता है. तो ये मेरा डांस का चैलेंज जो है निखरा, तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं शाबी का ही हाथ है. आगे भी मैं जैसे मेरी मूवीज़ आ रही है या कुछ आगे भी एल्बम्स आ रहे हैं तो अब मैं फ्रेंकली बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मैं डांस कर सकता हूँ और मेहनत करके और आगे अच्छा करूँ आगे. इसका श्रेय पूरा शाबी को जाएगा ऑब्वियसली. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ टीम वर्क. सीरियसली मेरी टीम, मेरे एक्टर्स, मेरे डीओपी अरविंद. अरविंद कहाँ हो? शूट के दौरान बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे. मैं जो हमारे पीछे हमारे डांसर्स थे उनसे बहुत कुछ सीखे, वहीं पे सीखा. शूट के दौरान डांस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना और कम समय में इतना सारा शूट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नई नई चीज़ें सीखने को मिली. आपको हर डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो मैं भी इस डायरेक्टर से बहुत कुछ सीखा हूँ, एक डांस सीखा हूँ सबसे बड़ी बात. वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया. तो अब मैं आगे भी ये बहुत काम आएगा, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से आई एम नॉट अ डायरेक्टर.
मुझे डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, बिकॉज डायरेक्टर इज़ अ वेरी बिग डेजिग्नेशन. आई कैन टेल माई टीम कि मुझे क्या चाहिए, मेरा एक विजन है जो मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ. तो अभी आई कैन कॉल माई सेल्फ अ डायरेक्टर, सीरियसली इट्स अ वेरी बिग डेजिग्नेशन. आई जस्ट ट्राइड. सो आपसे क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शब्द है, वर्ड है लाल रंग, ये हर इंसान के साथ कनेक्ट होता है. और सावी इज़ वेरी गुड फ्रेंड. सावी ने बोला अभिषेक एक गाना आ रहा है, चैनल बनाते हैं, कुछ करते हैं बड़ा. देखो गाना हर कोई बना रहा है, चैनल हर कोई बना रहा है, लेकिन जनता तक सही तरीके से पहुंचाना और जनता तक उनको प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है. और जो हम आपके ज़रिए करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गाना और चैनल बहुत ज़्यादा तरक्की करें और जनता बहुत प्यार दे इसे, आप सबके थ्रू बहुत प्यार मिले, बहुत ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंस्टा पे भी शेयर करें, प्यार दें. और ऐसे ही आगे आने वाले सभी गानों का इंतज़ार करें, हम उनके लिए बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग लेकर आ रहे हैं. लाल रंग तो एक शुरुआत है, सारे रंग आएंगे इसमें प्यार के, और बहुत सारे गाने आ रहे हैं बैक टू बैक. हर 15-20 दिन में, महीने में एक से एक गाना हम आपको दे रहे हैं. आप इस पे इंस्टा पे जाएं, रील्स बना, आजकल तो रील का जमाना है, लोग कनेक्ट हो चीज़ों से, यही तो हम चाहते हैं. हिसाब से हमने किया, शुरुआत जिस हिसाब से की है उसकी, वहाँ तो हम काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं. और सेकेंडली जितना मेहनत मेरी टीम ने की है, सावी ने खासकर जितना मेहनत की है, विशाल भाई ने जो मेहनत की है, मेरी पूरी एंटायर टीम ने जो मेहनत की है, उनका तो मेरे लिए हमेशा बहुत बढ़िया काम रहेगा, आगे भी मेरे साथ कंटिन्यू रहेगी पूरी टीम मेरे साथ. और अगली बार पैसा ज़्यादा खर्च करोगे? या सेना से भी जुड़े हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो एक अरे कैसा है कि वो एक हमारा सामाजिक संगठन है, वो एक अलग पार्ट है, बाकी ये इंटरेस्ट है और बस कर रहे हैं. अगर सर बात आती है करनी सेना की, बात करें कहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ पे जो करनी सेना होती है, तो इसे किस तरह से देखते हैं और इस लाल रंग में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाल रंग ये उसको अलग है, करनी सेना पार्ट अलग है, थोड़ा ये पार्ट अलग है. तो करनी सेना टीम किस तरह से शुभकामनाएं देगी? क्या सभी की ब्लेसिंग तो है अभी हमारे साथ में, पूरा कम्प्लीटली ब्लेसिंग है. अब मुझे की ब्लेसिंग आ चुकी है मेरी. या ऑफ कोर्स, आई एम फ्रॉम गुड़गांव. या ही इज माय बिग ब्रदर कुमार पाल.